पूछो। सलाम वालेकुम। सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। कहाँ से है हजरत जी? मैं टुमकुर से है जी। आपको मिलना के मिलने के वास्ते चाहे। अच्छा, जरा ये हाथों पाँव का दर्द, ये शुगर, ये सब बीमारी नहीं आना तो क्या करना आखिर साहब? माशाल्लाह माशाल्लाह, सिकले सिकले को जाने आखिर। हाँ, और जाकर दूसरों को सिखाती इंशाल्लाह, जरूर सिखाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पना लेता हूँ अल्लाह की शैतान मर्दूद से बचने के लिए। वीडियो करो। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे माँ बहनों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती सेहत को बचा लो बीमारी पकड़ने से पहले। बीमारी आ गई तो लाखों रुपये खर्च करना, अपनी जान गंवा लेना, बीमारी को आने दो लोगों को। बीमारी नहीं आना क्या करना? कलौंजी के काले बीज को अपनी आदत में रख लियोगे। ये रहा कलौंजी का काला बीज। मेरे दोस्तों भाइयों, और मेथी, मेथी के बारे में भी समझाए, कलौंजी के बारे में भी समझाए। इसे क्या करना, तुम्हें हर दिन आधा चम्मच मेथी, आधा चम्मच कलौंजी, एक गिलास पानी में डाल कर रखना। कौन सा पानी होना? जाम के पत्ते का पानी होना। ये देखो, ये जाम का पत्ता है, अमरूद का पत्ता। ये कहाँ झाड़ा तोड़ को फेंकते रहते हैं, वो सब जमा कर लियो बड़े ड्रम में। रोज एक आदमी को एक 5-6-7 पत्ते डालो, एक 2-2.5 लीटर पानी डालो, एक चम्मच कलौंजी, एक चम्मच मेथी डालो, 2 मुट्ठी धनिया डालो, एक आदमी को 2-2.5 लीटर पानी पका को शाम तक वो पानी पियो। और दूसरा सादा पानी, आइस का पानी, फिश का पानी सब छोड़ डालना, बगैर पकाने के पानी नहीं पीना। जैसा बगैर पकाने के खाना खाते नहीं, बगैर पकाने के दूध पीते नहीं, बगैर पकाने के चाय पीते नहीं, ऐसा बगैर पकाने के पानी नहीं पीना, पहली शर्त। दूसरी शर्त, घर से उजले नमक को तलाक देना, क्योंकि उजले नमक से थायराइड आता है। थायराइड आया तो या बारीक होती या मोटे होती, हार्ट अटैक आता है। अच्छा, तो उजला नमक छोड़ना, काला नमक इस्तेमाल करना, पत्थर का सिंधा नमक। अच्छा, शक्कर से शुगर आ रहा है। अब बच्चों को हमें दुश्मना बन जा को, उनको बचपन से शुगर है सर का मेहनत करती। क्या चॉकलेट चॉकलेट दे देखो, बच्चा बड़ा हुए तक शुगर कंप्लीट शुगर आ करता उसे। भूल को भी चॉकलेट देना नहीं बच्चों को, याद रखो, शक्कर से शुगर बढ़ता है। शुगर बढ़ गया तो विरक्त उड़ गया सर का, गाड़ी कहां कहां घुस जाती है, कहां कहां एक्सीडेंट हो जाते हैं। तीसरा, पाम ऑयल खाने का छोड़ो, गाढ़ा सस्ता तेल बोल को खाती, उसके 10 वक्ते पैसे ले आपको हॉस्पिटल में डाल दी, खाली हार्ट कहते के मन 4 लाख रुपया डाल दी, 5 लाख डाल दी। उसके बाद से पाम ऑयल खाने का छोड़ो। दूसरा, फल्ली का तेल, तिल का तेल, राया का तेल, खोपरे का तेल, कोसा भी खाओ, पाम ऑयल खाना छोड़ो, पाम ऑयल से हार्ट अटैक आ रहा। तीसरा, मरकिन का आटा खाने का छोड़ डालो। मरकिन का आटा, पाम ऑयल, शक्कर मिल गया तो जहर होगा वो। आज जितने बिस्किटा बन रही, जितनी मिठी बन रही, ब्रेडा बन रही, लंबे लंबे रोटियां, ब्रेड नान के रोटियां बन रही, ये सब मरकिन के आटे के, जल्दी मरने के वास्ते। आज जितने भी किडनियां खराब हो रही इसकी वजह से, इसलिए मरकिन का आटा हाथ हाथ टूट गए तो बनने, नहीं तो पोस्टरा मारने है सो, नहीं तो काले आदमी आंखों गोरे बनाने, वो कैसा गोरे बनाना मैं दूसरे टाइम बोलता हूँ इंशाल्लाह। तो मरकिन का आटा खाना छोड़ो। ये बेकरी का आइटम, रक्सा, ब्रेडा, बन्ना, रोटियां, ये सब भी चंपा कली, अनार कली, जहांगीर, लड्डू, बूंदी, ये सब छोड़ो। ये ठीक हो तो इसमें केमिकल डाल को रखती, खराब नहीं होना बोल को, वो खा को वो तो खराब नहीं होता, हमारी किडनियां खराब हो जाती है, हमारे लीवर खराब हो जाते हैं। घर में मिठा बना खाओ, गाजर का मिठा बना खाओ, शलगम का मिठा बना खाओ, और जो है कद्दू का मिठा, खजूर का मिठा बना खाओ, बना के मिठे बना खाओ, और शक्कर हटा को गुड़ डालो, इंशाल्लाह सेहतमंद बन कर दी। और तीसरा, सोने के टाइम पर अरंडी का तेल 1 चमचा, सबके लिए
बड़ियां के लिए सब अम्मा बाबा जोरू मरद बच्चे छोटे बच्चों को भी आधा चमचा, उससे दूध पीने के बच्चों को भी तीन चार खतरे डाल ठीक है। तो बेरिंगा में तेल नहीं तो ची बेरिंगा जाम हुआ दिवस बेरिंगा जाम होते के मान बालसा कप्पा फुट जाती अक्सल टूट जाता है गाड़ी बाजू खड़ जाती। वैसा ये बेरिंगा ताजे रहना तो शाम को एरंडी का तेल सुबह को जैतून का तेल एक चमचा दोपहर को खोपरे का तेल एक चमचा बच्चों को आधा आधा चमचा दाल को देते रहो हमेशा ताजे रहती। बहुत से डॉक्टर हकीम डराती ये आदत डाल लेना नीवल को ये आदत डाल लिए तो हकीमा के जेबा डॉक्टर के जेबा हल्के होते रहती और तुम्हारे जेबा वजन रहती। ये आदत नहीं डाल लिए तो तुम्हारे जेबा हल्के होते रहती हमारे जेबा वजन होते रहती। अब अल्लाह अकल दिया है अकल से काम लियो है अकल अमल से बनती है जन्नत भी और जहन्नम भी। ये खाकी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। अमल करो यहां भी खुश मरने के बाद वहां भी खुश अमल नहीं करे यहां भी परेशान ना शुक्रा बन जाता है। मैं एक दाढ़ी छोड़िया मैं नमाज पढ़ रू मैं खैर खैरात कर रू मैं तबलीग कर रू मैं फला कर रू मुझे अल्लाह बीमारी की दिया मंगा लेता सीने बदलाम करता सो अल्लाह को।